बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद हसन खान है और मैं फौजी एंड अस्करी सिमेट में एज अ कंडीशन मॉनिटरिंग टीम लीड काम कर रहा हूँ। आइडिया ट्रेनिंग्स का सेशन था बेयरिंग डैमेज एनालिसिस एडवांस, तो उसको अटेंड करने के लिए हम इधर आए हैं। तो बहुत अच्छा अफेक्टिव सेशन रहा, बहुत अच्छी लर्निंग हुई और ख़ास तौर पर मैं बहुत जो इंस्पायर हुआ केस स्टडीज़ के हवाले से, क्योंकि हमने डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट केस स्टडीज़ को हमने स्टडी किया और उससे हमें बहुत कुछ अच्छी लर्निंग हुई। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कंडीशन मॉनिटरिंग जो है इसमें बेसिकली हम लोग बेयरिंग्स को से वाइब्रेशन डाटा सारा कैप्चर कर रहे होते हैं और उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो क्योंकि और सेशन भी हमारा डायरेक्ट रिलेटेड था बेयरिंग डैमेज एनालिसिस, तो क्योंकि हमारी सारी फॉल्ट की डायग्नोसिस बेयरिंग से हो रही होती हैं और तो ये सेशन बहुत हेल्पफुल है। ख़ासतौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि कंडीशन मॉनिटरिंग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इस सेशन को लाजमी अटेंड करें और फिर इस सेशन को अपने प्लांट के डिफरेंट लोगों के साथ शेयर भी करें। इस सेशन को अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई और मेरी वीडियोज़ जो भी देखेगा मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से आइडिया ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म से इसको लाजमी अटेंड करें और इससे जो आपकी लर्निंग होती है उसको आप प्लांट पे इंप्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माय नेम इज जुनैद इकबाल, आई एम फ्रॉम सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल। टुडे वी अटेंड द ट्रेनिंग अबाउट द बेयरिंग फेलियर एनालिसिस। हमने बेयरिंग फेलियर एनालिसिस की एक एडवांस ट्रेनिंग अटेंड की है। यहाँ पे 3 डेज का ट्रेनिंग प्लान था, उसमें डिफरेंट हमने बेयरिंग बेसिक बेयरिंग्स के हवाले से पढ़ा, उनके टाइप्स के हवाले से, और लास्ट में जो हमने मेन कोर्स था हमारा था वो था बेयरिंग फेलियर एनालिसिस। बेरियर फेलियर एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जो फेलियर जो होते हैं तकरीबन मैक्सिमम जो बेरिंग फेल हो रहे होते हैं तो लुब्रिकेशन की वजह से हो रहे होते हैं, माउंटिंग की वजह से हो रहे थे और डिफरेंट मोड्स हो रहे होते हैं उसके ऑपरेशन मोड्स। तो मेन जो इसमें था वो माउंटिंग का था और लुब्रिकेशन का था। हमने इस हवाले से ISO स्टैंडर्ड पढ़ा, ISO स्टैंडर्ड में हमने इसके फेलियर मोड पढ़े, 6 इसके मेन फेलियर मोड्स होते हैं जिसकी वजह से बेयरिंग फेल हो रहे होते हैं। उसमें हमारा फटीक हो गया, वेयर हो गया, क्रुइन हो गई और उसमें इलेक्ट्रिक करंट लीकेज का हो गया। अब ये फेलियर मोड पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जो मेन पर्पज़ है हमारा, जो मेन मशीन एज अ मेंटेनेंस टीम एज अ इंजीनियर हमारा काम होता है कि मशीन को अपकीप रखना, अपना एक KPI डिफाइन करना होता है कि हमने 95% या 98% हमने मशीन को रनिंग कंडीशन में रखना है, जो उसका अप टाइम रखना है। तो पेपर इंडस्ट्री में जो पेपर इंडस्ट्री का तो जो बैकबोन है वो रोलर्स सारे पंप्स होते हैं, मेन उसमें जो मेन की रोल प्ले कर रहा है वो बेयरिंग। तो इस हवाले से हमारा जो मैक्सिमम जो पार्ट्स है पेपर मिल का वो रोलर्स पे ही है। तो इस हवाले से हमारा बेयरिंग एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो जिसमें हमने डिफरेंट मोड्स पढ़े हैं और उनको डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स डिफरेंट प्लांट से हमने कोड किए हैं और उसको म्यूचुअली डिस्कस भी किए। वसीम राजा नाम है मेरा, अस्करी सीमेंट निज़ामपुर की तरफ से बेयरिंग डैमेज एनालिसिस की ट्रेनिंग करने आए हुए थे। 3 डेज ट्रेनिंग अटेंड की, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फ्रूटफुल ट्रेनिंग। तमाम ट्रेनिंग के दरमियान में जो मैंने चीज़ लर्न की है ना, जो एक बेयरिंग है जो भी डैमेज होता है उसका कंप्लीट एनालिसिस करना, उसको रिव्यू करना और उसमें देखना कि बेयरिंग डैमेज होने के रीजंस क्या हैं और उन सारे को स्टडी करके, केस स्टडी करके नेक्स्ट टाइम वो चीज़ रिपीट ना हो। और उसके अलावा जितनी भी बेयरिंग असेंबलिंग, बेयरिंग माउंटिंग, इनसे जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारी लेके आगे जो हमारा वर्किंग स्टाफ है, जो चीज़ इम्प्लीमेंट जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, उनको ये सारी चीज़ें डिलीवर करना। और इसके अलावा जो पेयरिंग स्टोरेज से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आगे जाके डिलीवर करना कि इस चीज़ को हम जो बेयरिंग डैमेज से जो हमारा डाउन टाइम आ रहा है उसको मैक्सिमम रिड्यूस करना, मिनिमम टाइम पे उसको लेके आना। ये सारी चीज़ें हमने लर्न की हैं और इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे जाके अपने प्लांट पर और वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम इससे बेस्ट रिजल्ट्स निकलवा सकें। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद असगर है, मैं अस्करी सीमेंट निज़ामपुर से बिलोंग करता हूं। वहां मैं पावर प्लांट में एज ए असिस्टेंट मैनेजर अपनी सर्वाइव कर रहा हूं। बेयरिंग डैमेज एनालिसिस एडवांस ट्रेनिंग हमने हासिल की है और खुर्रम शहजाद साहब हमारे ट्रेनर थे। तो मेरे ख्याल में जो फ्रेट क्रोजन है इसकी इम्पोर्टेंस बेयरिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा है। अगर इंडस्ट्री में हम माउंटिंग के दौरान इसका अगर जो इंटरफेरेंस है, टॉरेंस जिसे कहते हैं या क्लीयरेंस कहते हैं, उसको माउंटिंग के वक्त शाफ्ट और बेयरिंग के दरमियान 95% जो कॉन्टैक्ट है अगर एग्जैक्ट हो तो उसमें एयर कंटामिनेशन नहीं होती। और अगर उसमें 95% से उसका कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है तो उससे में ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन जाने से कंटामिनेशन होती है, उसकी वजह से फिर
क्रोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो जो क्रोजन होती है बैरिंग की लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करना शुरू कर देती है, क्योंकि क्रोजन से उसमें पार्टिकल जो है बैरिंग और शाफ्ट के रोलर्स के दरमियान आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वियर टियर बढ़ जाती है। हमें अपनी इंडस्ट्री में जाके हम कोशिश करेंगे कि ये फ्राइट क्रोजन जो है इसको कम से कम कर सकें। और इस हवाले से अगर कोई फेलियर होता है तो हमारा ब्रेकडाउन अगर आएगा तो हमारी जो कॉस्ट सेविंग के हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, और हमारी मशीन का डाउन टाइम होगा, प्रोडक्शन लॉस होगा। प्रोडक्शन लॉसेस को बचाने के लिए हम इसको इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे और अपने बंदों को भी ना हो इसकी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद हुसैन है और अस्करी सीमेंट वास से ट्रेनिंग पे इधर आया हूँ बैरिंग डायमंड एनालिसिस के लिए। यहाँ हमने बैरिंग की ट्रेनिंग ली है और इसमें बहुत कुछ सीखा है हमने। बैरिंग को लुब्रिकेट कैसे करना है, शाफ्ट को चेक कैसे करना है, ये सब कुछ हमने सीखा है और यहाँ से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। तो नेक्स्ट हम जैसे भी ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह इस पे फोकस करके अपना काम करेंगे। अब मेरा नाम सैफ रहमान है और मैं सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल से। आज हमने ट्रेनिंग अटेंड की है 3 डेज की, बैरिंग डैमेज एनालिसिस इन एडवांस। और फर्स्ट डे जो हमने सीखा वो इसके नोमेनक्लेचर से था, और जो बेसिक चीज़ें थी बैरिंग्स के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड वो हमने कवर की। सेकंड डे जो था हमारा उसमें हमने इसके फिट्स और टॉलरेंस के बारे में इन डेप्थ पढ़ा और देखा कि ISO स्टैंडर्ड्स इसको किस तरह फिट्स और टॉलरेंस हमने अपने जब इंस्टॉलेशन करनी है तो हमने रखना है, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है बैरिंग्स के बैरिंग्स के अकॉर्डिंग थी हमने उसको देखा है। उसके बाद हमने इसके माउंटिंग डिसमाउंटिंग्स को देखा है, और जो हम इंस्टॉलेशन में जो हम गलतियाँ करते हैं और जिस चीज़ों को हम नहीं देखते हमने उसको देखा है, और इंस्टॉलेशन में भी माउंटिंग डिसमाउंटिंग में भी। उसके बाद हमने इसके डैमेज एनालिसिस को देखा है इन डेप्थ कि अगर कोई बेयरिंग्स है उसमें क्या क्या अगर वो डैमेज हो गया है तो हम उसका एक इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बेयरिंग डैमेज हुआ है। इसमें ट्रांसपोर्टेशंस के भी हैं, इंस्टॉलेशंस के भी हैं, और जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उस बेयरिंग्स के ऊपर हम उसको इन डेप्थ हमने इसको देखा है। और ये ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत अच्छी रही है, और इस तरह की एडवांस ट्रेनिंग हमने इससे पहले अटेंड नहीं की, तो ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है खुरम शहजाद साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शौकत हुसैन, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल मेंटेनेंस सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स। ये हमारा 3 दिन का सेशन था आइडिया ट्रेनिंग खुरम साहब के साथ बैरिंग डैमेज एनालिसिस के ऊपर। बैरिंग चूँकि हर रोटरी मशीन के अंदर जहाँ भी चल रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के बैरिंग्स हैं, हमारा ज़्यादा फोकस था एंटी फ्रिक्शन बैरिंग्स। इसमें हमने जो 6 ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक 6 हमारे फेलियर मोड्स थे बुनियादी, उनमें से एक फेलियर मोड है क्रोयन, जिसमें उसकी 2 ब्रांचेज हैं, एक है मॉइस्चर क्रोयन और एक फ्रिक्शन क्रोयन है। फ्रिक्शन क्रोयन के अंदर 2 तरह की हैं, एक है फ्रेटिंग क्रोयन और एक है फॉल्स बर्नलिंग। अब फॉल्स बर्नलिंग एक ऐसा हिडन फेलियर मोड है जिस पे ज़्यादातर लोगों की तवज्जो नहीं जाती। प्लांट्स के ऊपर हज़ारों मशीनरी चल रही होती हैं, कुछ स्टैंड बाई होती हैं और कुछ दूसरी चल रही होती हैं। नॉर्मली एक मशीन चल रही है तो वही चलती रहती है और दूसरी मशीन बंद खड़ी रहती है। इससे होता यह है कि जो बेयरिंग स्टेशनरी कंडीशन में खड़ा है दूसरी मशीन की इंड्यूस्ड वाइब्रेशन उसको डिस्टर्ब करती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर वो क्रोयन के गढ़े बना देती है। जब वो मशीन चलाते हैं तो वो बहुत जल्दी फेल हो जाती है, जो कि मशीन की आइडलेज पे असरअंदाज होती है। और हमारा जो ट्रेनिंग का बेसिक फंक्शन था कि हमारी मशीन जो सरप्राइजिंगली आइडलेज हो जाती है हमने उसको मिनिमाइज़ करना है, और इस तरह की ट्रेनिंग हमें ये सपोर्ट करती हैं, हमें दोबारा याद दहानी करवाती हैं कि हमने मशीन को रिलायबल रखना है, जो उसकी मैक्सिमम रिलायबिलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं उस पर हम फोकस करें। इसमें सबसे जो अहम बात है वो है माइंडसेट को चेंज करना। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, अवेयरनेस सब कुछ होने के बावजूद अगर हम लोगों का माइंडसेट चेंज करने के काबिल ना रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास टूल्स हैं, बेयरिंग्स हैं, नॉलेज है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इन चीज़ों को हमने बार बार दोहराना है। ये हमारी मैनेजमेंट ने हमें मौका दिया है कि इन चीज़ों को रिफ़्रेश करें और अपनी टीम को अपग्रेड करें। मेरा नाम ताहिर हयात है, मैं डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल अस्करी सीमेंट निज़ामपुर से हूँ। मैंने रिसेंटली 16 से 18 तक 3 दिन की ट्रेनिंग एडवांस बैरिंग टेक्निक एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस या डैमेज एनालिसिस पे अटेंड की है। खुरम शहजाद साहब ट्रेनर हैं, इन्होंने ये ट्रेनिंग दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सीखने को मिला है हमें। और खुसूसन बैरिंग के हवाले से, अब बैरिंग जो प्ले की रोल जो है ना हमें किसी भी मशीन का वो की रोल अदा करते हैं उसकी लाइफ का और उसकी मेंटेनेंस के हवाले से इस तरह से। और बैरिंग जो मेनली हमने देखा है इसमें 3 डेज ट्रेनिंग में हमने ये सीखा है कि बैरिंग की
जो फिटिंग के वक्त उसको कितनी उसको एहतियात से फिट करना है, या उसमें कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, या उसके डैमेज एनालिसिस क्या हो सकती है, किस तरह से डैमेज होता है बैरिंग, ये तीन दिन में हमने ये सीखा है बैरिंग डैमेज एनालिसिस का। और इसमें मेनली जो है जो लुब्रिकेशन इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बैरिंग हमारे डैमेज होते हैं, या ओवर ग्रीसिंग होती है, या ग्रीसिंग ना होने के लिए या ग्रीसिंग को किस तरह से चेक किया जाता है कि हमारा किस लेवल तक और किस हद तक ये जाना चाहिए। और हम होप करते हैं कि हम जो है ना इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हम जाके प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, जो बैरिंग हमारे पास टूटे हुए आए हैं या डैमेज हुए हुए आए हैं हम इनको एनालिसिस करेंगे, और आने वाले इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम इंशाल्लाह ज़रूर इसको फाइनल स्टेज तक लेके जाएंगे एनालिसिस की हद तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमें ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे मौके मिलेंगे जिससे हम ये चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू। आई एम मोहसिन अली, वर्किंग इन सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स एज अ सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर। हमने जो ट्रेनिंग अटेंड की है वो है बेयरिंग डैमेज एनालिसिस एडवांस। कुरम शहजाद साहब हमारे ट्रेनर हैं। तो जो हमने ट्रेनिंग अटेंड की है उसके तीन पार्ट्स हैं, बेसिक है, इंटरमीडिएट है और एडवांस है। तो जो बेयरिंग डैमेज एनालिसिस करने से पहले हमें बेसिक के बारे में नहीं भूलना चाहिए कि बेयरिंग बेसिक के बारे में बेयरिंग नंबर हो सकता है, तो उसकी टाइप हो सकती हैं, उसकी माउंटिंग है, डिसमाउंटिंग है, ये सब कुछ बेयरिंग की बेसिक में बारे में आता है। उसके बाद बेयरिंग डैमेज होता है, उसके बाद उसके एनालिसिस किया जाता है। तो बेयरिंग की बेसिक के बारे में हमारा बेयरिंग नंबर है। तो लेट सपोज के बेयरिंग के नंबर के तीन फिगर नंबर भी हो सकता है, फोर फिगर नंबर भी हो सकता है, फाइव फिगर नंबर भी हो सकता है। अगर तो वो थ्री फिगर नंबर है तो लेट सपोज 621 है, तो इसका मतलब है कि पहला नंबर जो है वो बेयरिंग की टाइप के बारे में बताता है, जो दूसरा नंबर है वो उसकी विड्थ और ओडी के बारे में बताता है, और जो थर्ड नंबर है वो उसके बेयरिंग बोर के बारे में बताता है। अब लेट सपोज के थ्री फिगर नंबर है तो 621 है, तो इसका मतलब है सिक्स जो है वो उसकी टाइप है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, उसके आउटर रिंग और इनर रिंग में डीप ग्रूव होता है। तो जो दूसरा नंबर है टू है वो उसके विड्थ और ओडी के बारे में बताता है, और जो थर्ड नंबर है वो उसके बोर डाया के बारे में बताता है, यानी कि बोर डाया उसका 1 मिलीमीटर होगा। अगर ये मैं यही नंबर फोर फिगर में चला जाए तो इसका मतलब है कि 6201 है अगर, तो वही सिक्स डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हो गया। टू जो है वो उसकी विड्थ और ओडी के बारे में बताता है, और 01 उसका 12 mm डायामीटर। अगर 00 आ जाए एंड पे तो दो एंड वाले फिगर हैं, अगर 00 है तो 10 मिलीमीटर डायामीटर होता है, अगर 01 है तो 12 मिलीमीटर डायामीटर होता है, अगर 02 है तो 15 मिलीमीटर डायामीटर होता है, अगर 03 है तो वो 17 मिलीमीटर डायामीटर होता है, अगर 04 है तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 mm आएगा, वो उसका बोर डायामीटर। इसी तरह ऑनवर्ड आप 96 तक चले जाएं, तो लेट सपोज 6296 आता है नंबर, तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा तो वो 480 mm आएगा, तो वो इसका बोर डायामीटर बोर डाया होगा। इसी तरह वो 96 97 98 और 99 वाला बेयरिंग नंबर नहीं बना आज तक, तो वो उससे आगे 500 होगा, 500 से ऑनवर्ड जितना उसका बोर डाया होगा उतना उसका स्लैश में मिला के लिखा जाएगा। लेट सपोज के 62 है स्लैश 500 है, तो वो जितना बोर डायामीटर बोर डाया होगा उतने मिलीमीटर में उसका लिखा जाएगा। अब लेट सपोज के बेयरिंग नंबर जो है वो 5 फिगर होता है, तो 5 फिगर में तो फर्स्ट जो है वो लेट सपोज के 2 है तो वो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग है, 1 है तो सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग है, 6 है तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, 7 है तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है। तो जो सेकंड वाला नंबर है ना वो उसकी विड्थ के बारे में बताता है कि विड्थ है कितनी, ये नहीं बताता, लेकिन अगर वो 2 है दूसरा नंबर 3 है तो वो विड्थ उसकी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2। जो थर्ड नंबर होगा वो ओडी के बारे में बताता है कि ओडी कितना है, ये नहीं बताता, लेकिन दो नंबर्स को कंपेयर किया जाए तो 1 वाले का जो ओडी है वो कम होगा और 2 वाले का ओडी ज़्यादा होगा। जो एंड वाले दो नंबर हैं वो उसी तरह से जिस तरह डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग का डिस्कस हुआ है उसी तरह से एंड वाले दो नंबर्स को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 फिगर वाला नंबर जो है वो उस तरह आप बेयरिंग नंबर को डिसाइड कर सकते हैं कि उसका बोर डाया कितना है। इस तरह बेयरिंग डैमेज एनालिसिस करने से पहले आपको जो बेसिक नॉलेज है कि हमने बेयरिंग की टाइप कौन सी लगानी है, कौन सा बेयरिंग लगाना है, तो इस तरह बेसिक नॉलेज का आपको पता होना चाहिए कि बेयरिंग का नंबर क्या है। अगर आपको बेयरिंग के नंबर का नहीं पता तो आप किस तरह वो उसकी हाउसिंग में इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसकी शाफ्ट पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, शाफ्ट का बोर डाया पता होना चाहिए, हाउसिंग का ओडी पता होना चाहिए, तो बेयरिंग की डायमेंशन विड्थ है, आईडी है, ओडी है, ये चीज़ें पता होंगी, ये सब कुछ बेयरिंग के नंबर से पता चलता है आपको।